देख रहे हैं तेज खबर 24। खबर है इस वक्त रीवा से, जहां बीते 18 फरवरी को सिरमौर चौराहा स्थित निर्माणाधीन समदड़िया बिल्डिंग में काम कर रहा एक श्रमिक लोहे की सरिया से गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी कल शाम उपचार के दौरान मौत हो गई थी। बिना किसी सुरक्षा कवच के काम कर रहे श्रमिक की मौत होने के बाद जब परिजनों ने कंपनसेशन की मांग की तो मामले को टालने के लिए समदड़िया बिल्डर के द्वारा 8 लाख देने की बात कही गई। लेकिन अभी 1 लाख नगद और 7 लाख न्यायालय के फैसले के बाद देने की बात कही गई, जबकि परिजनों की मांग थी कि पूरा पैसा अभी अस्पताल में पीएम के पहले दिया जाए। लेटर में रखा गया था, लेकिन ऐसा हमको शंका हुआ कि दो रोज एक्स्ट्रा भी रखा गया था, एक्स्ट्रा भी किस दबाव में कौन दबाव दिया ये हमें नहीं मालूम। नहीं कोई बात नहीं, मिलने नहीं, अंदर हम नहीं गए, अब ये नहीं मालूम कौन क्या है, कौन अधिकारी है, कौन क्या है, लेकिन हम तो बाहर खड़े हैं। आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं? हम मांग हमारी कुछ नहीं थी, उनकी मांग, उन्होंने कहा था कि आपके परिवार के जो खत्म हो गया तुम्हारा भाई, इसके लिए सहयोग राशि देंगे, सहयोग राशि देने के लिए 8 लाख बोले थे। ओहो, देने से इन्होंने ऑफिस बुलाए सिरमौर चौराहा गए, इन्होंने 1 लाख देने को स्वीकार किया, वह खाते में 7 लाख उन्होंने कहा कि खाते में डालेंगे, लेकिन जब फैसला हो जाएगा। शहर में इन दिनों चारों तरफ समदड़िया बिल्डर का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन कहीं भी सुरक्षा के मापदंडों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इतना ही नहीं, श्रम विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी कार्यालय के अंदर बैठकर कागजों से खाना पूर्ति कर रहे हैं, जबकि इस मामले में सबसे बड़ी भूमिका श्रम विभाग की ही थी। उन्हें मृतक के संबंध में पूरी जानकारी एकत्रित कर खुद ही जांच करनी थी। मृतक का रजिस्ट्रेशन सहित बीमा संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कराया गया था या नहीं, इसका भी पता करना चाहिए, पर श्रम विभाग के जिम्मेदार शायद बिल्डर के एहसानों से दबे हुए हैं, इसी के लिए जानकारी लेना तक उचित नहीं समझा। समदड़िया कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो मृत्यु हुई थी रमेश जी की, उनकी पत्नी को अभी तुरंत 1 लाख रुपया और 7 लाख रुपया का चेक इन ने दिया है। ये विगत कुछ दिनों पूर्व में यहाँ पर मेडिकल हॉल बन रहा है सिरमौर चौराहे में, समदड़िया मेडिकल हॉल पे बनाया जा रहा है, वहाँ पर एक रमेश सिंह नाम के श्रमिक की दुर्घटना में घायल हो गए थे, सर में कुछ चोट लगी थी उनके, उनके इलाज के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल यहाँ रीवा में भर्ती किया गया था और ये 2 दिन वो एडमिट रहे थे, और इलाज के दौरान ही उनकी कल शाम को मृत्यु हो गई थी। वही परिजनों और प्रबंधन के बीच में लेकर के सहायता राशि को लेकर के कुछ बातचीत चल रही थी, उसी में प्रबंधन के द्वारा 3 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की गई है परिजनों के साथ, जिसमें से 8 लाख रुपये उनके द्वारा सहयोग सहायता राशि दिया जा रहा है और 100 वाहन दिया जा रहा है और दाह संस्कार के लिए सहयोग राशि पर बात तय हुई। फिलहाल आज तो उसका पीएम हुआ है और परिजनों में आक्रोश था, उसको शांत करा के मैनेजमेंट से जो भी इनकी बात हुई है उस पर समझौता हुआ है, रहा पुलिस केस तो वो अलग मैटर है, मर्ग में जांच चल रही है, मर्ग पंजीबद्ध हुआ है, मर्ग में जांच करेंगे, जिन तथ्यों का समावेश उसमें होगा और जैसी भी स्थिति बनेगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी।